गुड मॉर्निंग क्लास 8th, वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज़ क्लासेस। सो क्लास 8th, वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड लेसन नंबर 1 इन सिविक्स। नाउ वी विल मूव फर्दर एंड विल डू लेसन नंबर 2 टुडे। ओके, सो एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 311। वी विल स्टडी लेसन नंबर 2 इन सिविक्स। चलो तो बच्चों, आपको लेसन नंबर 2 पढ़ना है। लेसन नंबर 2 में पढ़ना है आपको अबाउट सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो इन फोकस में क्या लिखा है, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो आपका चैप्टर का नेम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली में ये मिसप्रिंट हो गया है आप लोगों का यहाँ पे। लेसन नंबर 2 आप लोग अपना नेम कर लो, ये इसका इसको काट दो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काट दो। ये आपका लेसन नंबर 1 था, ठीक है। लेसन नंबर 2 का आप नेम रख लो, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। क्या रखोगे, व्हाट इज़ WHAT, देखो मैंने लिखा हुआ है ऊपर WHAT, व्हाट इज़ IS इज़ सेक्युलरिज्म, SECULARISM, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलो तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 2। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। हमारे देश में इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सेक्युलरिज्म जो है वो होता क्या है और इसको रिलीजन से कैसे ये अपने आप में इंटर कनेक्टेड है। चलो तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे पहले। क्या लिखा है यहाँ पे आपके, In the previous year, in one of the chapters, you read that Mr. and Mrs. Davitt found it hard to rent a room initially as they belong to a religion which is in a minority in India. Almost every landlord or landlady whom they approached refused them a room on some pretext. In fact, at one stage, the property dealer whose help they were seeking felt so frustrated and helpless that he suggested that Davitts change their name. He was of the opinion that the couple was not succeeding in finding a landlord or landlady willing to rent a room to them because they belonged to a minority religion. However, after many days of searching, the Davids were finally able to find a landlord who rented a room to them in spite of knowing their religion, Christianity. तो आप जब क्लास 7th में थे बच्चों, आप लोग तो हमने आपको सिविक्स में एक लेसन के बारे में पढ़ाया था जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था, भेदभाव के बारे में पढ़ा था। और उस चैप्टर में, डिस्क्रिमिनेशन के चैप्टर में, हम लोगों ने जो भेदभाव को देखा था वो अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से देखा था। जैसे कि जेंडर, हमने इनइक्वालिटी देखा था मैन और वुमेन के बीच में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फ्रॉम अर्ली स्टेज, जैसे कि बॉय और गर्ल के बीच में घर में से ही कैसे डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन रिच और पुअर के बीच में देखा था, अमीर और गरीब के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है ना। अमीर कहीं पर भी पैसा फेंक के अपना काम करवा लेता है और गरीब सच्चाई के लिए लड़ता रह जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता है तो उसका काम नहीं बनता है। और इसी फैक्टर्स में हमने एक डिस्क्रिमिनेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हमने धर्म के बेसिस पे हमारे देश में किस तरीके से रिलीजन बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बेस, उसको हमने देखा था। तो आप लोगों को याद होगा लेसन सिविक्स में आपको क्लास 7th में हमने पढ़ाया था कि जो डेविड थे ये क्या थे, क्रिश्चियन थे। ये और इनकी वाइफ बहुत जगह किराए पर घर मांग रहे थे लेकिन इनको लोग किराए पे घर नहीं दे रहे थे। कोई भी मकान मालिक या मकान मालकिन इनको घर देने के लिए तैयार नहीं था किराए पे। ऐसा क्यों था, क्या ये चोर थे, क्या ये क्रिमिनल थे? ऐसा कुछ नहीं था, ये ना ही चोर थे ना ही क्रिमिनल थे, ये एक बहुत ही नेक पुरुष थे। लेकिन चूंकि इनका धर्म जो था वो क्रिश्चियनिटी का था और क्रिश्चियनिटी क्या है, एक माइनॉरिटी रिलीजन है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, अब क्या होता है, मेजॉरिटी वो होगा जहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल फॉलोइंग द रिलीजन विल बी मोर, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक रिलीजन को, एक धर्म को अपना रहे हैं तो वो क्या हो गया, मेजॉरिटी हो गया रिलीजन का। और अगर वही रिलीजन कुछ कम लोग अपना रहे हैं तो उसको हम लोग माइनॉरिटी बेसिस पे जानते हैं। तो डेविड को इसीलिए रेंट पे कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ
क्रिश्चियन। तो सेक्युलरिज्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इस लेसन में सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है सेक्युलरिज्म, इसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि डेविड को क्यों नहीं घर मिला, मिस्टर डेविड को, बिकॉज ही बिलोंग टू अ माइनॉरिटी रिलीजन एंड दैट वॉज क्रिश्चियनिटी। ओके, मूविंग फर्दर, क्या लिखा है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स। तो आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। द रिलीजन विच इज़ फॉलोड बाई द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ हिंदुइज़्म। और हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो कौन से धर्म को अपनाते हैं, मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी मैंने हमने आप लोगों को बताया ना कि लार्जर प्रपोर्शन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस धर्म को अपनाते हैं वो कौन है, हिंदुइज़्म है। इन अदर वर्ड्स, मोस्ट पीपल इन द कंट्री प्रैक्टिस द हिंदू रिलीजन। सपोज दैट मिस्टर डेविड हु इज़ अ क्रिश्चियन इज़ नॉट अलाउड टू एंटर अ होटल ओन्ड बाई अ हिंदू एंड हैव फूड बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ माइनॉरिटी रिलीजन। ऑल्दो मिस्टर डेविड इज़ एन इंडियन नेशनल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डिक्लेयर्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। मिस्टर डेविड इज़ बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन ही प्रैक्टिस। हाउ वुड दिस मेक हिम फील, हाउ वुड ही रिएक्ट। तो आप सपोज करिए कि मिस्टर डेविड जो है वो क्रिश्चियन है और उनको सिर्फ इसलिए किसी होटल में नहीं घुसने दिया जा रहा है और वहाँ पे खाना नहीं खाने दिया जा रहा है, या फिर उनको कहीं किराए पे घर नहीं मिल रहा है, उनको सेटल नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज़ अ क्रिश्चियन, वो एक माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको अगर उनके धर्म के बेसिस पर अगर उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनको कैसा फील होता होगा। आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा फील होगा। आप किसी भी धर्म में जन्म लिए, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है, आपको तो जिस धर्म में आपने जन्म ले लिया, आपके माता पिता और आपके प्रेडिसर्स जो भी फॉलो करते हैं, आपने उसको, आप भी उसको फॉलो करने लगे, इसमें आपने कोई गलती नहीं की है कि आपको सजा मिलेगी, है ना। आपने कोई क्रिमिनल क्राइम नहीं किया है, या फिर आपने कोई चोरी नहीं की है, रॉबरी नहीं की है, किसी का अधिकार नहीं छीना है, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है आपने कि इसके लिए आपको सज़ा होगी या फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर होता है तो कैसा फील होगा, ज़रा इसके बारे में सोचिए। नेचुरली ही वुड फील एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो क्या होगा, सामान्य भाव से उनको बहुत गुस्सा आएगा और फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ापन होगा। एज रिगार्ड्स हिज रिएक्शन ही माइट रिटेलिएट एंड वॉन्ट दैट नो हिंदू कस्टमर शुड बी अलाउड टू हैव फूड इन अ क्रिश्चियन ओन्ड होटल। तो अब गुस्से में चूंकि इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हिंदूज इनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इनको हिंदू होटल में नहीं घुसने देते हैं, इनको वहाँ पे खाना नहीं अलाउ होता है खाने के लिए, तो गुस्से में अब ये क्या करेंगे, अब ये भी इनका भी गुस्से में इनका भी दिमाग में ये आ जाएगा कि हम अगर कोई होटल खोलते हैं और जहाँ पे क्रिश्चियन सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे अब हम किसी हिंदू को नहीं आने देंगे, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। अनदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट ही माइट फाइट फॉर हिज राइट एंड जस्टिस। और एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये काम करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा काम ये है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे, अपने राइट्स के लिए वो लड़ाई करेंगे। ही माइट स्ट्रांगली अपोज दिस डिस्क्रिमिनेशन सेइंग दैट सिंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हिम द राइट टू इक्वालिटी, अ फंडामेंटल राइट, ही कैन नॉट बी बैरल्ड फ्रॉम एंटरिंग द होटल। ठीक है, तो वो अपोज कर सकते हैं, वो इस बात के अगेंस्ट जा सकते हैं। क्यों, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में इस बात का साफ वर्णन है, इस बात को साक्षात रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया, राइट टू इक्वालिटी, कि हमारे देश में हर एक नागरिक को बराबर का दर्जा मिलेगा। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है। चलो ओके, He might demand that he should be allowed to enter the hotel of his choice and have food. He may question that when the Indian state does not support discrimination in any form, why is he being discriminated against and treated unjustly just because of his religion? तो वो डिमांड कर सकते हैं ये कि हम किसी होटल में क्यों नहीं जा सकते हैं, हम किसी भी होटल में क्यों नहीं खा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। और अगर इंडियन गवर्नमेंट जब डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। सो अब हमें डिस्क्रिमिनेशन का क्यों सामना करना पड़ रहा है, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में।
चलो, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ हिज और हर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। इसीलिए हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। कब भेदभाव नहीं करना चाहिए? कम से कम उसके रिलीजन के बेसिस पे तो उससे भेदभाव, उसके धर्म के बेसिस पे उससे भेदभाव मत ही करो। दिस एसेंशियली मीन्स दैट देयर शुड बी नो रिलीजियस डोमिनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश में हमारे नेशन में कोई भी एक ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको हम फोरमोस्ट रखें। फोरमोस्ट मतलब जिसको हम प्रायोरिटी लिस्ट में रख दें कि सबसे मेन रिलीजन यही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें, हमारे लिए हर एक रिलीजन फोरमोस्ट है, हर एक रिलीजन को बराबर की मान्यता है, ठीक है। किसी को भी हम आगे और पीछे नहीं कर सकते, सब बराबर हैं। दिस इज़ द वेरी एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, और यहीं से हमारा सेक्युलरिज्म डेवलप होता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब आप लोग समझ गए, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो एक सेक्युलरिस्ट नेशन क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष देश, जहाँ पे हमें कोई भी भेदभाव नहीं है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग धर्म चाहे रिगार्डिंग रिलीजन। दिस इज़ द वेरी एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। इन दिस चैप्टर यू शैल स्टडी अबाउट सेक्युलरिज्म, especially what it means in the Indian context। और secularism आपको world के context में तो आप जान ही गए कि कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको धर्म के basis पे कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया? secularism। secularism मतलब क्या होता है कि इनफैक्ट किसी भी देश में अगर हर धर्म को बराबर की मान्यता दी जाएगी तो वो क्या, वो किसके अंडर में आएगा? secularism के अंडर में। अब आपको, अभी आप क्लास 8th में ही हो, अभी इतने बड़े नहीं हो गए कि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बस secularism का डेफिनेशन जानो। अभी आपको किसके कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म को पढ़ना है? इंडियन कंटेक्स्ट में, कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म का क्या हालचाल है। चलो ये देखो, फोटो बना हुआ इंडिया है और ये अलग अलग धर्म के सिंबल्स बने हुए हैं। देखो प्लस साइन क्रिश्चियन, ठीक है, ये मून और स्टार वाला ये क्या हो गया? इस्लाम का हो गया, ओम हो गया हिंदुइज़्म का, और ये जो हैंड है ये बुद्ध का है, और बाकी का मुझे नहीं पता। आप लोग जरा इन सिंबल्स को ढूंढिएगा और बताइएगा कि कौन कौन से रिलीजन से ये सिंबल्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ पारसी कम्युनिटी का होगा, कोई जैन का होगा, और एंड सो ऑन। इंडिया बीइंग अ सेक्युलर स्टेट, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन आवर कंट्री। ओके, चलो, इन योर प्रीवियस ईयर्स यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आप लोगों ने पहले के क्लासेज में अदर अदर काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा ही था, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ओके, लेट अस रिकलेक्ट सम ऑफ देम। चलो हम लोग कुछ थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी कि हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था क्लास 7th में, ठीक है। तो वुमेन को जो था वो मेन के रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेट किया गया है ना, मेन को कहा गया कि मतलब हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी किस तरीके की है? पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी मतलब जहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होता है? मेल मेंबर होता है, ना कि फीमेल मेंबर, ठीक है। तो वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया गया। वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ एट होम और द वर्क वुमेन डू एट द वर्क प्लेस इज नीदर गिवन द क्रेडिट नॉर द रिस्पेक्ट दैट इट शुड गेट। इन मैनी केसेज वुमेन आर पेड फार लेस देन वॉट मैन अर्न फॉर द इक्वल टाइप एंड सेम आवर्स ऑफ वर्क। ओके, इन मैनी केसेज वुमेन आर पेड फार less than what men earn for this equal type and same hours of work। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वुमेन और मैन के बीच में किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से आपको अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि वुमेन जो है वो दिन भर घर पे काम करती है, डोमेस्टिक वर्क करती है, और लेकिन उसके लिए उसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक ना। आपकी मम्मी पापा अगर घर पे हैं तो पापा बाहर से कमा के आते हैं तो घर पे क्या करते हैं? वो आकर के आराम करते हैं, लेकिन मम्मी घर में दिन भर काम करती हैं और तब भी आप लोग उनसे, आप लोग चाहे नहीं बोलोगे लेकिन कोई और आके बोल देगा कि आप दिन भर घर में क्या करती हैं, ठीक है ना। और जबकि घर का कितना काम होता है ये जब करोगे तब समझ में आएगा। चलो, और एक बात और यहाँ पे बताई जा रही थी जो कि मैंने आप लोगों को क्लास 7 में पढ़ाया था कि सेम टास्क ऑफ वर्क है, सेम लेवल ऑफ वर्क है, सेम पोस्ट डिजाइंड है, डेजिनेटेड है फॉर मेल एंड फीमेल मेंबर बोथ, लेकिन औरतों को क्या होता है? उसी काम के लिए मर्दों से कम पैसा मिलता है, कम इनकम मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। क्योंकि वो महिला है इसलिए उसको घर नहीं चलाना है,
घर चलाना है कि नहीं चलाना है वो तो बाद की बात हो गई। यहाँ पे हमारे मेल डोमिनेंस सोसाइटी है तो यहाँ पे ये रहता है कि मेल जो है हेड ऑफ़ द मेंबर है तो वही घर चलाएगा, मतलब वो पैसा कमा के लाएगा, और औरत घर गृहिणी है तो वो घर चलाएगी, मतलब खाना पीना बनाएगी। और इस वजह से कि ये मेल मेंबर नहीं है उसको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, जबकि यहाँ तक कि कभी कभी तो ये होता है कि जो मेल मेंबर है उससे कई गुना ज़्यादा फीमेल जो है वो काम करने में आगे है, वो अपने काम को अच्छे से कर सकती है, वो बेहतर तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करती है, फिर भी जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से उसको कम वेज, कम पैसा, कम सैलरी, कम तनख्वाह मिलता है देन मैन। तो ये चीज़ें सही नहीं है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें सही हो रही हैं, बट स्टिल वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। चलो कहाँ थे हम लोग, हाँ, इन मैनी केसेस वुमेन आर पेड फार लेस, ये हो गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड पी के महानंदिया वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज देवर दलित्स। तो ये सब आपको क्लास सेवन के बारे में बता रहा है कि ओपन आपने पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि और पी के महानंदिता को क्यों भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो दलित थे, वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। रोजा पार्क को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि वो एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको उनके रंग के लिए उनको भेदभाव, उनको उनके स्किन का जो टेक्सचर था वो थोड़ा डार्क था, ब्लैक थी, वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, और इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अंटिल द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट प्रैक्टिस्ड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड अंडर विच द मेजॉरिटी ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द माइनॉरिटी। जो अपार्थीड लिखा हुआ है, जो अपार्थीड का क्या कंसेप्ट है, अपार्थीड मतलब होता है कि काले गोरे का भेद, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अभी रिसेंट की ये कहानी है कि अभी एक पर्सन थे, उनकी डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपार्थीड कंसेप्ट। उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, उनके बारे में आप लोग बताइएगा। रिसेंट में भी ये हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने अपोज किया गवर्नमेंट के लिए, यूएसए के, ठीक है। तो इनको क्या हुआ, अब यूएसए में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बात है कि वहाँ पे जो है अभी भी काले और गोरे के बीच में, कि आप काले स्किन कलर के हो तो आप क्या हो, हमसे नीचे हो, कौन कहता है, गोरे रंग वाले। तो रोज़ा पार्क को इसका भी सामना करना पड़ा, ठीक है, ओके। मिस्टर एंड मिसेस डेविड इन इंडिया हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज दे बिलोंग टू अ माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी। मिस्टर और मिसेस डेविड को क्यों डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, बिकॉज दे बिलोंग टू अ माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी। इस सब चीज़ों के बारे में जान गए। चलो, रोजा पार्क्स चेंज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर एवर ऑन दिसंबर 1955 वेन शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू द ऑन द सिटी बस टू अ वाइट मैन एंड वॉज कॉन्सिक्वेंटली अरेस्टेड। देखो, रोजा पार्क जो थी, जिनके बारे में भी आप लोग पढ़ रहे थे, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ब्लैक कलर की थी, मतलब ब्लैक कलर की क्या थी, सांवले रंग की थी, और इन्होंने क्या, ये यूएसए की कहानी है कि वहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक क्या लोग हैं, काले रंग के जो लोग, काले रंग की भी क्या बोले, सांवले रंग के जो लोग हैं उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है गोरों के सामने। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सांवला रंग का है और कोई व्यक्ति गोरा रंग का है, दोनों के पास ट्रेन की या फिर बस की सेम टिकट है, अगर दोनों ही बिजनेस क्लास की उनके पास टिकट है, दोनों ही सेम टिकट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर सीट्स की कमी हो गई तो जो सांवला व्यक्ति है, जो ब्लैक है, उसको खड़ा कर देंगे और गोरे को बैठा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो रोज़ा पार्क ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, इन्होंने इतिहास ही रच दिया। क्या किया इन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिसंबर 1955 की कहानी है, इन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया अपना सीट देने के लिए किसी वाइट मैन को, और इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम पे। चलो, तो ये कहानी है आपकी डिस्क्रिमिनेशन की। चलो बच्चों, बहुत देर हो गया, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। Okay, till then, take care and thank you.